ये अभी यूक्रेन वॉर हुआ, सप्लाई चेन टूटी, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आया, भारत ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर के इंटरनेशनल स्टैंड लिया, और जब हमारे बच्चे वहां फंसे थे तो अकेले प्रधानमंत्री थे जिसने पुतिन से भी बात की, ज़ेलेंस्की से भी बात की, दोनों को बात करके युद्ध रुकवा करके 22,000 बच्चों को वापस स्वदेश लेकर के आए, सुरक्षित लेकर के आए, ये भी हमने देखा। ये सब परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जब देश की छवि को, भारत की छवि को मोदी जी दुनिया में चमका रहे हैं, तो हमारे राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज, देश की छवि को बिगाड़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बताओ, इनको मालूम ही नहीं है कि इनके दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, और ये लंदन से जितने जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, बचाओ। अरे वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, और तुम बचाओगे जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगा दी, और तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो जिसको कोर्ट भी लताड़ता है तुम्हारे शब्दों को, फिर भी भारत की जनता उसको सुनती है और सहन करती है, इससे ज्यादा प्रजातंत्र क्या होगा।